हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों टीजीटी पीजीटी की भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की। आ गई है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और विकी खान ने दो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी डिटेल में दे दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना, चाक्सू पब्लिकेशन लेकर आ गया है सीटेट 2021 के लिए गाइड बुक और ये कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कर देगा। पेपर वन के लिए आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुसार नई गाइड बुक आ गई है, बिल्कुल लेटेस्ट नए सिलेबस के आधार पर। यहाँ पर 3000 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। दो प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी है और सीटेट का पूरा सिलेबस की थ्योरी आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की अलग अलग सब्जेक्ट की भी सभी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में और सीटेट का इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकती हैं। ये सभी किताबें आपको आपके नज़दीकी किताबों की दुकानों पर भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ले सकती हैं या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग टीजीटी पीजीटी भर्ती की, विकी खान का आज का आप ये प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हैं। उन्होंने आज दो प्रेस विज्ञप्ति जारी की हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले जानकारी की जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज कल या परसों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिणाम आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। बात हो रही है टीजीटी पीजीटी 2021 की, कोई भी रिजल्ट आजकल या परसों में नहीं आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आराम करिए, निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आपके जल्द आएंगे, लेकिन अभी आपके हाल फिलहाल में कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। और उन्होंने आगे बताया कि प्रतियोगी मोर्चा लगातार संघर्षरत है, प्रयासरत है कि आपके रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाएं और प्रवक्ता यानी पीजीटी के जो बचे हुए 11 विषयों के रिजल्ट हैं वो 10 अक्टूबर तक आएंगे। तो थोड़ा सा रिजल्ट में डिले हो रहा है, 10 अक्टूबर तक आएगा पीजीटी 2021 के 11 बचे हुए विषयों का रिजल्ट। साथ ही साथ टीजीटी का रिजल्ट जो अभी तक बताया जा रहा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, डिले हो रहा है रिजल्ट में। और टीजीटी के समस्त विषयों का जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन खुशखबरी यहां पर यह है कि 25% वेटिंग लिस्ट के साथ जारी होने जा रहा है आपका रिजल्ट। ये दोस्तों एक बड़ी अपडेट मिल रही है और प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अभी हाल ही में सामाजिक विज्ञान का जो रिजल्ट आया है टीजीटी 2016 का, संस्था आवंटन की जो सूची आई है उसमें 10% वेटिंग लिस्ट के साथ यह सूची जारी की गई है। इसमें लगभग 1000 पद थे और 1100 के लगभग पदों पर संस्था आवंटन की सूची आई हुई है, लेकिन इस बार रिजल्ट के साथ ही आपका वेटिंग लिस्ट जारी होगा और वो भी 10% नहीं बल्कि 25% जारी होगा। तो इससे बहुत सारे छात्रों को मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनका लिखित परीक्षा में क्वालिफाई तो हो जाता है लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं टीजीटी के जिनका पीजीटी में भी हो जाता है या फिर दूसरी यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों पर हो जाता है, तो ये छात्र अपनी सीट को छोड़ देते हैं और ये पद खाली ही रह जाते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट के साथ ये वाली समस्या नहीं रहेगी। और जो छात्र एक दो नंबरों से चूक जाते थे, अगर वो परीक्षा क्वालिफाई हो रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में उनका नाम है, तो आगे भी उनको मौके मिलेंगे। तो 25% एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी होगा लेकिन वो वेटिंग लिस्ट होगा, कोई अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उन पदों पर इन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। आगे लिखते हैं विकी खान जी की, प्रतियोगी मोर्चा ने प्रतियोगियों के हित में लगातार संघर्ष किया है, बस आपका साथ और विश्वास कायम रहे। आपके हर जंग में प्रतियोगी मोर्चा शामिल है और इस बेरोजगारी के कलंक को हर बेरोजगार के माथे से मिटाने का प्रयास प्रतियोगी मोर्चा कर रहा है। तो रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है दोस्तों और आपको इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है। अगली पोस्ट विकी खान ने ये की है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को सूचित करना चाहता हूं कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान और टीजीटी कला विज्ञापन वर्ष 2016 का पैनल प्रतियोगी मोर्चा के प्रयासों से 3 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो 3 से 4 अक्टूबर तक आपके जिले के जो DIOS होंगे उनको संस्था आवंटन की लिस्ट मिल जाएगी। अतः आप सभी चयनित भाई बहनों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए अपने DIOS से 5 अक्टूबर को आप संपर्क कर सकते हैं तथा विज्ञापन वर्ष 2016 में चयनित सभी विषयों के भाइयों बहनों को एक बार फिर प्रतियोगी मोर्चा और विकी खान की अपील है कि जिन भाइयों ने विज्ञापन वर्ष 2021 में भूलवश परीक्षा दे दी है वह सत्यापन का कार्य ना कराएं ताकि दूसरे गरीब और बेरोजगार भाई और बहन को नौकरी मिल सके। आपको नौकरी मिल चुकी है, दूसरों को नौकरी देने का काम करें, ईश्वर आपका भला करेगा। और अगर आप अच्छा करेंगे किसी के लिए
तो 100% आपके भी साथ अच्छा ही होगा। तो हमारी तरफ से भी अपील, अगर आपका चयन 2016 में हो रहा है तो 2021 में आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं, क्योंकि एक ही नौकरी की आपको ज़रूरत है और आप 2016 वाले में अपना नौकरी ले लीजिए, 21 में जो वेटिंग लिस्ट आ रही है उसमें से अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। तो यही थी महत्वपूर्ण अपडेट और जरूरी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।